पीक ने एल्विश यादव को लेकर कही ये बात। वेल, बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव इस वक्त काफी ज्यादा लाइमलाइट में बने हुए हैं। स्टार की काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग भी है और स्टार लगातार अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में बिजी चल रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने वाला है, जिसे देखने के लिए पीक भी इंडिया पहुंचे हैं। यहाँ पर इंडिया में आकर भी पीक काफी सारे फेमस पर्सनालिटीज से मुलाकात करते हुए भी नजर आ रहे हैं और काफी ज्यादा फैंस के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ऐसे में पीक जब हाल ही में स्पॉट किए गए तो उनसे पूछा गया कि क्या वो एल्विश यादव को जानते हैं, क्योंकि एल्विश यादव इंडिया का इस वक्त जाना माना नाम बन चुके हैं। इस पर पीक ने कहा कि नहीं, वो एल्विश यादव को नहीं जानते हैं। जिसके बाद एक फैन एल्विश यादव के लिए एक फैन का कहा हुआ डायलॉग भी स्पीड को सुनाते हैं, जो कि होता है, एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या। जिसके बाद स्पीड बताते हैं कि वो इस डायलॉग के बारे में भी कुछ भी नहीं जानते हैं और वो एल्विश यादव को नहीं जानते हैं कि कौन है वो। जी हाँ, स्पीड ने ये तो क्लियर कर दिया है कि वो एल्विश यादव के बारे में नहीं जानते हैं। वहीं आपको बता दें कि स्पीड इससे पहले बिग बॉस 16 के विनर एमसी स्टैन से भी मुलाकात करते हुए नजर आए थे। जी हाँ, एमसी स्टैन और स्पीड का एक क्लिप भी इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। स्पीड जैसे ही इंडिया आया, उनने एमसी स्टैन से मुलाकात की है और उसके बाद फैंस ये कयास लगा रहे हैं उस क्लिप को देखने के बाद कि एमसी स्टैन स्पीड के साथ कुछ तो नया लेकर आ रहे हैं। दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है और कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही है। हालांकि ये एक रैप सॉन्ग होने वाला है या ये कोलैबोरेशन क्या है फिलहाल ये तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन स्पीड एमसी स्टैन के साथ किसी प्रोजेक्ट में तो जरूर नजर आने वाले हैं, ऐसा फैंस का मानना है। वेल, आपका इस अपडेट के बारे में क्या कुछ है कहना हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।